रिक्षा चालकाकडे कागदपत्रे असताना देखील वाहतूक पोलीस अधिकारी त्यांच्यावर दोन कलमे लावून अजब पद्धतीने कारवाई करत आहे। शहरातील जालना रस्त्यावर रिक्षा चालकावर वाहतूक शाखेची कारवाई करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे। या मोहिमेत सिडको शाखेचे वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यांनी चक्क कोऱ्या कागदावर आपल्या नावाचा स्टॅम्प मारून रिक्षा चालकांना नाव गाडी नंबर कारवाई करण्यात आलेला कलम लावून कागदपावती देत आहे। या कारवाईवर आक्षेप घेऊन आज सकाळी पोलीस आयुक्त कार्यालयात अनेक रिक्षा चालक पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना भेटण्यासाठी आले असता आज सुट्टी असल्यामुळे पोलीस आयुक्त यांची भेट झाली नाही। रिक्षा चालकाने एमसीएनशी बोलताना सांगितले की रिक्षाचे कागदपत्रे असतानाही हे कागदपत्र चालत नाही। 192A व 130 कलमे लावून कागदावरची पावती ते देत आहेत। रिक्षा मुकुंदवाडी येथे जमा करून घेत आहे। दुसऱ्या दिवशी पैसे भरल्यानंतर मूळ पावती देत आहे, परंतु मूळ पावतीवर कागद पावतीचा दिनांक नोंद करण्यात येत असल्याचा आरोप रिक्षा चालकांनी दिला आहे। मैं कल क्या 10:30 बजे घर से निकला था आजाद चौक से निकल के मैं सेवन हिल पे गया। सेवन हिल से टर्न मारा मैंने आकाशवाणी की तरफ, वहाँ पे शिंदे साहब की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं इनको देखा लेकिन वहाँ पे रुका नहीं और सीधा जा रहा था। शिंदे साहब ने मेरे को हाथ दिए, मैं रुका। रुकने के बाद शिंदे साहब ने जो है तो मेरे को हवलदार बिठाए एक और बोले एक गाड़ी मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में लगा के आ जाओ। वहाँ पे गया मैं, गाड़ी लगाए, नोंदनी करे, रजिस्टर में मेरा नाम लिखे, लाइसेंस नंबर लिखे, मैं पेपर बताया तो बोले पेपर चलते नहीं, ये चिट्ठी लेके जाओ। बोले एक चिट्ठी पे उन्होंने कलमा लिख के दे दिए, वो चिट्ठी लेके 7 बजे शाम में आओ बोले। शाम में 7 बजे मैं गया तो वो आ ही नहीं वहाँ पे। फिर आज जो है, आज जाने के बाद और उनको बोला मैंने तो बोले 2300 रुपये भरना भरो और गाड़ी लेके जाओ बोले। और अभी ये लोगों का ऐसा कहना है कि पुलिस वाले बीच में ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं और ज़बरदस्ती रिक्शा हटका के कोई 4 बस पे, कोई 7 हिल पे, उसके बाद में जो भी 7 हिल से मुकुंदवाड़ी या चिकलठाना तक किधर भी पुलिस वाले अंदर आके बैठते हैं और बोलते पैसे दे दो, पैसे नहीं दिया तो पावती ज़बरदस्ती उन्होंने गलत पावती दे दी है, कोई प्रिंटेड पावती नहीं है। कानून के अगर हिसाब से चलेंगे तो ये लोगों के पास कोई भी कलम लागू नहीं होता, क्योंकि ये लोगों ने पूरे के पूरे 192, 312 ये जो भी इन्होंने कलम लगाए वो लोगों के अंदर अगर ये लोगों कार्रवाई करते हैं तो ये सब पुलिस की गलती नज़र आती है, क्योंकि ये लोगों ने कभी ऐसे कुछ गलती की ही नहीं। जैसे कि वो लोग ड्रेस पे है, उनके पास सब पेपर्स हैं, तो लोगों ने कौन से कलम लगाने का, उनका कितना पैसा होता है वो हिसाब से नहीं, सीधा बोलते हैं कि नहीं 2900 रुपये भरो, 2300 रुपये भरो, 207 लगाएंगे ऐसे अगर धमकी देंगे। अगर नियम लगाने हैं तो पहले गवर्नमेंट ने रूल से चलना चाहिए, वो लोगों को स्टॉप देना चाहिए, ये लोगों को कितने परमिट अलाउड करना चाहिए गवर्नमेंट की गलती है, इनको कैसे कैसे शिस्त करने का है, इनको अगर इनको डिसिप्लिन देना है तो गवर्नमेंट ने पहले डिसिप्लिन फॉलो करनी चाहिए, फिर ये लोगों के ऊपर ये कलम लगानी चाहिए।